नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पासपोर्ट से रिलेटेड। पासपोर्ट आपका पता है, आप विदेश में जाने वाली ये वीडियो देख रहे हैं, पासपोर्ट का कितना महत्व है आप लोग जानते हैं। जो लोग खास तौर से एक बार विदेश जाके वापस आ गए, उनको पता है पासपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपके पास गोल्ड रख दे, एक तरफ पासपोर्ट रख दे, तो आप मुझे पता है कि आप पासपोर्ट को पहले उठाओगे, गोल्ड को बाद में देखोगे, क्योंकि पासपोर्ट विदेश की धरती पे कितना इंपॉर्टेंट आप सबको पता है। बता दूं, इंडियन में काफ़ी जगह ऐसे मामले आते हैं फर्जी पासपोर्ट बनाने के, जी हाँ साथियों, और उनको बाद में समझ में भी आ जाता है कि फर्जी पासपोर्ट बनाने का नतीजा क्या होता है। डिटेल से बात करेंगे कि अभी कुछ लेटेस्ट में न्यूज़ आई है, फर्जी पासपोर्ट लोगों ने किस तरह से बनाए, किस तरह से भंडाफोड़ हुआ, किस तरह से उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मामला पंजाब का है, ठीक है, मामला पंजाब का है। पंजाब में सबसे ज़्यादा घोटाला भाई पंजाब में ही होता है। हालांकि सरकार इस पर सख्त रवैया अपनाती है, जगह जगह इन पर छापेमारी करना, मुकदमा दर्ज करके अंदर डालना वगैरह वगैरह होता है, लेकिन भाई क्या करें, लोग आदत से मजबूर होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा हब होता है वहाँ पे ज़्यादा धोखाधड़ी चिटिंग भी आम बात होती है। ये भी पंजाब का सितंबर महीने का लेटेस्ट ही है। 2000 के साल में नया डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाया था, यानी 2020 चल रही, यानी 20 साल पहले पासपोर्ट बनाया था, अभी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है 20 साल बाद में। अब कैसे हुआ आप लोग सोचोगे, 2000 में नया पासपोर्ट बनाया, तथ्य छिपा लिए, यानी पासपोर्ट में नाम चेंज करके दो पासपोर्ट बनाया, 2003 में फिर नया पासपोर्ट बना लिया। पहले तो खुद का बनाया 2000 में, 2003 में अपनी पत्नी अपने बच्चों के गलत डॉक्यूमेंट लगा के गलत नाम से पासपोर्ट बना लिए। अब इस शख्स को क्या मजा आया मुझे नहीं पता, क्यों हुआ ऐसा, हो सकता है इनके नाम से कोई पुलिस केस चल रहा होगा, इनको विदेश में जाना होगा, और इसने धकेल दिया पूरे परिवार को। ये नहीं खुद का बनाया, पूरी फैमिली का बना दिया, अपनी बच्ची का, अपनी वाइफ का, अपना खुद का, गलत दस्तावेज लगाए, नाम बदलकर पासपोर्ट बनवाया, अब उस पर जांच हुई, मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे 6 साल पहले भी घोटाले सामने आए थे पासपोर्ट गलत बनाना, जी हाँ साथियों, खासतौर से पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें पासपोर्ट अधिकारी, पुलिस, डाक विभाग के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों के नाम भी शामिल थे, क्योंकि पासपोर्ट देश की संपत्ति है, और उसके साथ कोई गलत करता है, कोई चीटिंग करता है, तो इतना आसान नहीं होता। आपको सबको पता है ना, आपने पासपोर्ट बनाया कितना लफड़ा होता है, तब जाके आपके पासपोर्ट बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है नकली डॉक्यूमेंट्स में, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो भी कर्मचारी है, नकली पासपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। खास तौर से जो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करता है बीट अधिकारी, उनके साथ कोई ना कोई सांठगांठ होती है, और उनको मोटा पैसा दे के वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है, और इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन ही है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद पासपोर्ट आराम से बन जाता है, आप सबको पता ही है। इसमें बताया गया, महिला से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने एक एजेंट का नाम लिया, लेकिन एजेंट का नाम छानबीन की गई तो एजेंट का नाम में कोई सच्चाई नहीं मिली। दंपति ने इसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके 2009 में अपनी बच्ची का पासपोर्ट भी बनवा लिया, जी हाँ। और ये नहीं, महिला ने 2003 वाले पासपोर्ट के तथ्य छिपाकर 2017 में दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया, राजविंदर कौर के नाम से पासपोर्ट हासिल कर लिया। ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक लेडीज 3 पासपोर्ट बना लेती है अलग अलग नाम से, क्या है ये, माजरा क्या है? छानबीन करने की जरूरत है कि नहीं है पुलिस को, सोचने की बात है, क्योंकि पासपोर्ट का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। बता दूं, इसमें साफ साफ बताया गया 2014 में भी ऐसे बड़ा घोटाला सामने आया था, क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी थे, वो अफगानिस्तान में शरण लिए हुए थे, उन्होंने पासपोर्ट बनवाने, क्योंकि उनको अगर भारतीय नागरिकता साबित करनी है तो पासपोर्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, तो उन्होंने फर्जी तरीके से बहुत सारे अफगानी लोगों ने पासपोर्ट इंडिया में बनवा लिए थे। बनवाने वाले कौन थे भाई, कौन थे बनाने वाले, तो इंडियन लोग थे ना, तो इनका फिर बड़ा रैकेट सामने आया था। लास्ट में ये हो गया था कि पैसे के फिक्स हो गया था, जो पासपोर्ट आता किससे, डाक से आता है, तो डाक को फाइनल हो गया कि तुझे वो जो वहाँ जाता था वहाँ पे एड्रेस पे लोग रहते ही नहीं है, उसी एड्रेस के नकली पासपोर्ट बना रहे थे, और वो वहाँ पे न जाके फिर उनके जहाँ वो रहते थे वहाँ वो पासपोर्ट दे देता था उनको, और उनको मोटा पैसा मिल जाता था। तो ये एक जांच का विषय है, मामला अभी उजागर हुआ है, हम उम्मीद ये करेंगे कि भाई इसकी जाँच हो बाकायदा, क्योंकि पासपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। कभी भी आपको अगर कोई गलत राय दे तो ये बिल्कुल न माने, क्योंकि देखिए 2000 के साल में पासपोर्ट बनाया हुआ, 2019-20 में माजरा मैटर खुल गया, यानी 20 साल बाद में भी आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। हो सकता है 20 साल पहले आप जवान थे, बुढ़ापे में आपको जेल नहीं जाना पड़े, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गलत होता है वो कभी ना कभी बंदा पकड़ा जाता है, और ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, इसमें तो आराम से पकड़ा जाएगा। और अगर आपको नाम चेंज करवाना है कुछ, तो लिखित में पहले करवाओ ना पूरा लीगल तरीके से,
कोर्ट जाओ, एफिडेविट बनाओ, पूरा सिस्टम चेक करो, पहले के नाम रिकॉर्ड चेंज कराओ, फिर आपका नया पासपोर्ट बना लो। कौन मना करता है? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं महेंद्र कुमार या और के नाम से पासपोर्ट बनवा लूँगा, कैसे बन जाएगा जी? इसका मतलब मैं दूसरे नाम से पासपोर्ट बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने घोटाला किया है, इसका मतलब ये हो गया। मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे होंगे, मुझे बाहर जाना है, मेरे नाम से पासपोर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसके ऊपर मुकदमा लगाया है पासपोर्ट नहीं बन सकता। आपको सबको पता होना चाहिए इस बात का, इसीलिए दूसरे नाम से लोग पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा न करें, अगर कोई राय देता है तो भी न करें, वरना मुकदमा लगेगा भाई, भारी जुर्माना, फिर मतलब पंगा, थोड़ी सोचने की वाली की बात है, तो थोड़ा सा बचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक पर, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।